आप आज पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में 200 गरीब एवं जरूरतमंदों परिवार को राशन की सामग्री मोहम्मद खालिद अजीम के द्वारा बांटी गई। इस दौरान वैसे परिवारों को भी राशन बांटी गई जो रोजे की स्थिति में है। ऐसे में इस लॉकडाउन में गरीब एवं जरूरतमंदों की आवाज बनकर उभरे खालिद के द्वारा इन सभी लोग को राशन का लाभ मिला। बोलिए सर, जो राशन वितरण हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें आज आलमगंज का क्षेत्र था हमारा, इसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो आज यहाँ के माध्यम से मुझे जानकारी मिली भाई लोग के माध्यम से कि यहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ ज़रूरत है, और रमज़ान का महीना चल रहा है इसमें तो और भी ज़रूरत है, क्योंकि डिलीवरी की चीज़ें अभी तक खुल नहीं पाई है। आज तो मैंने एक चीज़ देखा है, पटना के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुली है लेकिन अभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खुली है जिन्हें ज़रूरत है। तो अभी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इस चीज़ को आगे बढ़ते रहना है, इस काम को करते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचकर इस काम को करने से पुण्य का काम है और इसे हमें बढ़ावा देना है और भी लोगों के साथ। और यहाँ का आपकी टीम काम कर रही है? अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, जैसे जहानाबाद काम कर रही है, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा के अंदर में, वैशाली में, पटना के अंदर जो हम खुद कर रहे हैं और भी हमारे लोग हैं जो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ वहाँ कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप लोग के माध्यम से और लोगों से जहाँ से भी हो रहा है कि हमारी टीम भी और हम भी लगकर काम कर रहे हैं ताकि राशन का वितरण कंटिन्यूस में बना रहे। पटना के कितने क्षेत्रों में अभी तक आप बांट चुके हैं राशन? तो मैं नहीं कह सकता हूँ मेरे भाई, जहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है थाना वाइज हम जाते हैं, थाना से जो हमारी इंक्वायरी आती है थाना प्रभारी जो होते हैं वो उनसे पूछ लेते हैं कि क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम चलते हैं। जैसे आज हमारे भाई लोग हैं, कोई हमारे जानने वाले रिलेटिव्स भाई, उनसे जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में आलमगंज के अंदर में रिक्वायरमेंट है। इतनी बड़ी आबादी में एक अकेले हम नहीं कर सकते, तो कुछ हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग भी यहाँ भी लोकल में भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अपना परिचय? मेरा नाम खालिद हुआ, मैं ही पटना का रहने वाला हूँ, बस समाज सेवा करने के लिए भावना है हमारे अंदर और इस काम को करने में बहुत खुशी।